all will be fine. So we are solving exercise 6.3. So let's continue from question number 4. Find the square roots of the following numbers by the prime factorization method. हमें square root find करना है prime factorization method से, ठीक है? तो चलिए कोई एक number मैं आपको बताती हूँ. 729 ये first number ही बता देती हूँ, ठीक है? Prime factorization कैसे किया जाता है? ये आप लोगों ने पहले भी किया होगा, जैसे LCM find करते थे, है ना? तो वो जो LCM find करना होता है, उसी को हम prime factorize. LCM find करना बात अलग है. LCM find करने के लिए भी आप prime ऐसे ही find करते थे ना? तो इसे हम prime factorization कहते हैं. जैसे हमने कोई number लिख दिया और उसको फिर solve किया, है ना? तो वो prime factorization कहलाता है ये, ठीक है? चलिए, ये देखें, 729 दिया है. तो यहाँ हम प्राइम फैक्टर निकालेंगे 729 के, फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ठीक है? अब वो कैसे करेंगे देखिए. सबसे पहले तो देखें, छोटे नंबर से स्टार्ट करेंगे, है ना? ये पूरा नंबर 2 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो ये देखिए, यहाँ लास्ट में नंबर आपको क्या दिया है, 9 दिया है, और 9 ऑड नंबर है, और ऑड नंबर 2 की टेबल में नहीं आता है, ठीक है? 3 की टेबल में शायद ये आ जाए, क्योंकि 3 की टेबल में तो 9 आता है ना. चलिए देखते हैं, 3 1 3 3 2 6. ये देखिए पहला नंबर कितना है, 7. अब 3 की टेबल ऐसे पढ़े कि 7 से ज्यादा ना हो, तो 3 2 6. तो यहाँ कितना बच गया, 1 बचा. हमने 6 पढ़ा ना, तो 7 में से 6 किया, कितना बचा, 1. तो ये 1 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया, है ना? अब 3 की टेबल, 3 4 12, 3 3 9. अगेन देखें, 3 से ये डिवाइड हो जाएगा, 2 से तो होने से रहा क्यों, क्योंकि 2 की टेबल में तो 3 आता ही नहीं है कहीं, है ना? तो ये देखिए, 3 8 24 और 3 1 3. ओके, अगेन 3 की टेबल पढ़े, 3 2 6, कितना बचा है यहाँ, 2. 3 7 21. अगेन 3 9 27. 3 1 3 3 9. और अगेन 3 1 3. तो ये निकल गए फैक्टर हमारे, है ना? क्लास 5th 6th से पढ़ते आ रहे हैं आप फैक्टर्स. किसी नंबर के फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो ऐसे फाइंड करते हैं. ये प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है? तो अब देखें, इसे हम क्या लिखेंगे, 729 इक्वल, फैक्टर कितने हैं हमारे, 3 × 3 × 3 × कितने टाइम्स है, 3 3 6 टाइम्स, × 3 × 3. ये आया. अच्छा, मैं एक चीज बताना तो भूल गई कि इस नंबर को हमें रूट में रखना था, है ना? तो अब देखें, जब 729 रूट में है, स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं ना हम, ठीक है? तो इसलिए हमें स्क्वायर रूट तो लगाना ही पड़ेगा ना ये. ओके, तो अब ये नंबर्स भी आपके रूट में ही आएंगे. क्यों? क्योंकि 729 के ही तो फैक्टर है ये, है ना? 729 अगर हम यहाँ नहीं लिखते, तो ये नंबर्स लिखते वहां, ठीक है? अब देखिए, रूट से जो नंबर है वो कब बाहर निकलते हैं, आप जानते हो, ये रूट जो होता है, 2 होता है यहाँ पर, है ना? मतलब किसी नंबर का अगर पेयर है, तो वो पेयर रूट के बाहर आ सकता है, ठीक है? अभी देखिए, ये पेयर बन रहा है, सेम नंबर का पेयर है, तो ये तो बाहर आ गया रूट के, ये भी आ गया बाहर रूट के, और ये भी आ गया बाहर रूट के. रूट के अंदर कुछ नहीं रह गया, है ना? तो ये कितना हुआ, 3 3 9 3 27. तो ये जो है 729 किसका स्क्वायर रूट है, 27 का. ओके, सो आई होप ये आप लोगों को समझ में आया होगा. तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन नंबर 4 के सारे क्वेश्चन करने हैं. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 5. ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 के आप सारे क्वेश्चन कर लीजिएगा, है ना? क्वेश्चन नंबर 5, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स फाइंड द स्मॉलेस्ट होल नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाई सो एज टू गेट अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर. ये जो नंबर दिए हैं ना, इनके परफेक्ट स्क्वायर हमको नहीं मिलेंगे, ठीक है?
तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि इन नंबर्स के साथ हम किन नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और परफेक्ट स्क्वायर जब बन जाए तो उसका स्क्वायर रूट भी फाइंड करना है ना। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों जो है ना आपको एग्जाम्पल में मिल जाएंगे कि ऐसे किस नंबर का मल्टीप्लाई करें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, और ऐसे किस नंबर का डिवाइड, किस नंबर से डिवाइड करें कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। ठीक है, तो मैं इसमें से कोई एक आपको बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 5 से, चलिए देखते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 5 का मैंने 5th नंबर दिया है, ठीक है। अब इसका प्राइम फैक्टर सबसे पहले हम फाइंड करें, 1458 का। ओके, देखिए यहाँ से 8 है, इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, बचा यहाँ 1, 2 9 जा 18, 729 का भी तो अभी हमने ऊपर फाइंड किया 3 से, 3 2 जा 6, यहाँ बचा 1, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, अगेन 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ बचा 2, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, और यहाँ 3 1 जा 3। ठीक है, ये मिल गया। तो अब हमें को सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए वी हैव 1458, इसके हमको क्या क्या मिले, 2 × 3 × 3 × फैक्टर मिले, ये है ना। ओके, ये फैक्टर मिल गया। अब देखिए इसमें इसका पेयर है, ये दोनों का पेयर है, ये दोनों का पेयर है, इसका पेयर नहीं है हमारे पास, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे कि एज द प्राइम फैक्टर 2 हैज नो पेयर, 2 का कोई भी पेयर नहीं है, है ना। तो इसलिए ये जो नंबर है आपका 1458 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, है ना। पर अगर हम इस नंबर में 2 का मल्टीप्लाई कर दें, क्यों, क्योंकि 2 की कमी ही है ना। अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये देखें। सो वी मल्टीप्लाई 1458 बाय 2 टू गेट, ये देखिए इतना था हमारे पास, हमने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस नंबर में भी 2 का मल्टीप्लाई होगा ना। तो क्या मिलेगा हम जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन करने पर हमें मिलेगा 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 1 11, कैरी 1, 2 4 जा 8 और 1 9, और 2 1 जा 2, ये नंबर मिलेगा, है ना। सो दिस नंबर इज देयर फॉर 2916 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। ओके, तो यहां लिखेंगे हम कि दस द रिक्वायर्ड स्मॉलेस्ट मल्टीपल ऑफ 1458, यही था हमारा 1458, है ना। उसका स्मॉलेस्ट मल्टीपल क्या होगा, 2916, और ये किस नंबर का परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2916 किसका होगा, ये देखिए यहाँ पेयर किसका किसका था, 3 का था, एक एक पेयर, 2 2 3, है ना, 1 2 3, 3 × 3 × 3 × 2 का भी बन गया, तो ये 2। अब इसको मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, फिफ्टी फोर का स्क्वायर होगा ये, ठीक है। ये जो नंबर है ये 54 का स्क्वायर रूट होगा। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 5 आप कंप्लीट कर दीजिएगा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6, तो उसमें डिवीजन वाला सिस्टम है, ठीक है। जैसे आपने देखा 2 यहां पर दिया था जिसका पेयर नहीं था, तो उस नंबर से आप डिवाइड कर दोगे तो हमें परफेक्ट स्क्वायर मिल जाएगा। ओके, रेस्ट क्वेश्चंस वी विल डू टुमारो।